मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा भगवान भरोसे है, एमपी के अस्पतालों में जो हो जाए सो कम है। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी और स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट जी, ये खबर आपके लिए है और देख लीजिए आपके राज्य में मरीजों के क्या हाल है। इस दृश्य को देखेंगे तो आप खुद शर्मा जाएंगे कि आपके राज्य में हो क्या रहा है। ये है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल इंदौर का MY हॉस्पिटल। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट भी इंदौर से हैं, इसीलिए ये खबर तुलसी सिलावट और मुख्यमंत्री कमलनाथ को समर्पित है। देखिए सरकार के तमाम सुशासन के दावों की पोल खोलती है तस्वीर। स्वास्थ्य सेवाओं के हाल ये हैं कि अस्पताल में एक ही स्ट्रेचर पर अलग अलग परिवार की एक महिला और पुरुष मरीज को साथ ले जाया जा रहा है। कहने को ये कुछ भी नहीं, लेकिन समझे तो लगता है इस स्ट्रेचर की तरह सिस्टम चलाने वालों ने भी बेशर्मी की चादर ओढ़ ली है। बताया यह गया कि स्ट्रेचर ना होने की वजह से महिला और पुरुष मरीज को एक साथ जांच के लिए ले जाया जा रहा था। स्ट्रेचर पर लेटी महिला मरीज का चेहरा उसकी बेबसी बयां कर रहा था। क्यों आप लोग अलग अलग हो, अलग परिवार से हो, तो एक में क्यों आप लोगों को रखा गया है? क्या गाड़ी नहीं मिली मैडम? क्या हुआ, गाड़ी नहीं मिली जो ले आते? तो अलग अलग परिवार से हैं ये लोग? हाँ। आपको कुछ तकलीफ नहीं है, मतलब एक दूसरे के साथ जा रहे हो? इंदौर के MY हॉस्पिटल की लापरवाही के तमाम किस्सों की ये नई कड़ी है। हॉस्पिटल में एक ही स्ट्रेचर पर एक महिला और एक पुरुष मरीज को एक साथ जांच के लिए ले जाया गया था। एक ही स्ट्रेचर पर होने की वजह से महिला खुद को असहज महसूस करती रही। महिला मरीज लाचार थी और उसके चेहरे पर सवाल था। करोड़ों रुपया डकार जाने वाला महकमा स्ट्रेचर तक के इंतजाम नहीं कर पा रहा है। एमपी के दूसरे बड़े शहर जबलपुर की तस्वीर भी मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट जी देख लीजिए। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी लगता है स्ट्रेचर गायब हो गए हैं या बेच दिए गए हैं। एक पीड़ित मरीज को देखिए कैसे किसी सामान की तरह जमीन पर घसीटा जा रहा है। अस्पताल कर्मचारी ने स्ट्रेचर ना मिलने पर मरीज को फर्श पर घसीट कर एक्सरे जांच कक्ष तक पहुंचाया। ऐसा लगता है कोई मरीज नहीं, मध्य प्रदेश की सरकार को अस्पताल में घसीटा जा रहा हो। ये तस्वीरें बयां करती हैं कि हमारे यहाँ व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था पसरी पड़ी है और वो स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट और मुख्यमंत्री कमलनाथ को चुनौती दे रही है कि अगर दम है तो मुझे ठीक करके दिखाओ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।